बुझियो तो एक मुठी खाए भाई बुझियो तो खानो पड़ी अठे एडो नेम है आज 300 साल भुजिया बन रहा है अठे मतलब हाथ सु रगड़ रहा है और ईसु भी लंबा है जो भुजिया है। सबसे बड़ी विद्या देखा तो एक गायन विद्या और रसायन विद्या दो चीज अगर सीख जा माइत कहता कह परिपूर्ण आदमी है एकदम। मारवाड़ी का ईसा शब्द है एक शब्द में 10 निकले टाट बुगरियो गोंदर थी खाजरू पर दौड़ कह दियो लठ जाओ बिन लठ रेरू राम गेसलू कितना नाम है वांगा इसी जे लोमड़ी इटी जे बिल में पड़ी आई एम पकड़ी पूंछड़ी सडनली मतलब फटाफट बाहर कूद पड़ी या भाग पड़ी। हाँ अब कंप्यूटर अनुदेशक बनने का आखिरी मौका ज्वाइन करें फ्लिकी ऑनलाइन क्रैश कोर्स डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। राम राम नमस्कार मैं सुदेश और ते देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर था स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है। तो आज आपको बताऊंगा कि बीकानेरी भुजिया है वे किया बने। तो बीकानेरी भुजिया बनने की जो प्रोसेस है जारी है और अपना माल मटेरियल है भाभी पूछूंगा और सागे ही सागे थाने इंगो जो को जायको है वो जायको टेस्ट करके भी बताऊंगा किया लाग रही है थाने। और छोटी सी फैक्ट्री है फैक्ट्री मायने मान लो फैक्ट्री मान लो घर मान लो और भुजिया बनने की प्रोसेस है जो आ है इनके हिसाबू इन्हें मिलायो जावा और के हिसाबू है जो ये भुजिया बर है आवे। तो बातचीत करांगा ताऊ जी है तो भुजिया देख के मुंह में पानी मेरे हारी हुई टाइम। ताऊ जी राम राम। राम राम सा राम राम। कितने सालों काम कर रहे हो रहे और क्या 55 साल। 55 साल हो गया। अच्छा तो मतलब इनमें वो बेसन ही है सारो या कहीं और भी है। इनमें 10 किलो चीना अपने मोठा रो बेसन है 2 किलो चीना रो। अच्छा और गर्म मसालो है लांगी मिर्च और नमक। और दिन में कितना किलो काटो थे। दो बुजे को खावा। दो बुजे को क्यों मतलब कारण क्या है क्वालिटी खराब है। खराब नहीं थे तू ना कौन खावा ही कौन। अच्छा भुजिया से क्या पी दिया मतलब जो भुजिया करने रहे वो भुजिया कौन खावा है मिठाई वालों वो मिठाई कौन खावा है। अच्छा अब मनिया बताओ जो तेल है जो वो तेल थे मतलब इन्हें कितना टेम्परेचर कितना उबाड़ो थे इन तेल ने। देख लो तेल कम 70 साल है। अच्छा 70 बाद में आगे सटे वो और वो पूरा जले कौन है। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा अभी एक मैं देख रहा हूँ कि एक लगा रखे है वो के लगा रखे है तेल री जो डीजल है नी। डीजल हो। अच्छा डीजल नु चाल है। अच्छा वो डीजल आ रही हो धीरे-धीरे। हां धीरे हां डीजल तो प्रोसेस है जो देख रहे हो इन मैंने डीजल है डीजल डाले हुए है डीजल धीरे-धीरे करके ये भट्टी में आ रही है और आ भट्टी है जो चल रही है अभी दबाव दियो जा रही है मतलब हाथ सु रगड़ रहे है और मतलब इनकी जो नोक है वह नोक इतनी पतली है कि मैंने सीधा लंबाई है भुजिया की लंबाई की अगर बात करूँ तो मतलब ईसु भी लंबा है जो भुजिया है तो अंदर जा रहा है अंदर जाके टूट जाएगा। बहुत मेहनत कश काम है और जबरदस्त मेहनत करके ताऊ जी अभी देख लो तेल उकल तो तेल और उकलता तेल के ऊपर जो है एकदम सिस्टम बढ़े पूरो और उकलता तेल के अंदर ही मतलब वहाँ हाथ डाले हुए तो मतलब मैं तो इतनी दूर करने खड़े हूँ तो भी मतलब बहुत ज्यादा हीट है जो पकड़ पा रहे हूँ और वो जो तेल नीचे ढूंढ रहे है वो भी मैं कटकट हो रहे वो सिस्टम भी बताया जाओ कि अगर तेल बाहर हुआ है तो एक अलग सिस्टम बनाए हुए वो तेल वापिस है जो बिंग महीने पिंपर महीने चले जाओ तो बहुत ही जायकेदार बहुत ही स्वादिष्ट और बीकानेर की जिसकी शान है शान वाकई में इं बने और बातचीत है जो बातचीत करांगा आप। तो अभी अंदर में आ चुके हूँ अंदर कमरे के मायने मतलब ढोलक भी है और संगीत भी है और संगीत के साथ भुजिया को तड़को भी है तो मतलब बीकानेरी भुजिया के वो एपिसोड है जो पहली बार आ रहे है और जलको राजस्थान पर भी थे देख्स कोई ने वो भी प्रसारित है बहुत जल्द है जो हो सके है। तो अंग नाम है दीन जी और पूरे बीकानेर में दीन जी सिर्फ स्वाद के लिए और आपके बच्चा के लिए और मोहल्ले वासियों के लिए भुजिया है जो तैयार करे भाई दीन जी वास्तव में मतलब अंकड़ मन में के जागे यहाँ कहानी है आगे थोड़ी सी मैं बता दूँ कि यहाँ कहानी यहाँ है कि मतलब भुजिया लेने बताओ है कि ये मोहल्ला वासी है जो बहुत दूर जाया करता लेकिन आ एक ऐसो सिस्टम तैयार करियो कि भाई मोहल्ला वाला ने दूर ना जाना पड़े आपका 10-20 घर में सप्लाई कर दे तो रोज का आगा 8-10 किलो भुजिया है और आपको जीवन यापन भी हुआ है और खतरनाक काम चल रहे है जबरदस्त काम चल रहे है। तो आ एक मन में किया जागी मतलब भुजिया तो बाजार में मिले थे घर बनाना स्टार्ट कर दियो। देखो यहाँ है कि भाई मोटी मोटी फैक्ट्रियां चल रहे जो भी है लेकिन मैं एक धरातल जुड़ेड़ो आदमी हूँ ई खातर मैं देखियो आपनो थोड़ो खांचियो चाल बोकरे और कोई 10-15 किलो भुजिया इन्हें बिना साइड में बेच बोकरा
मैं कहना चाहूँ कि एक सबसे बड़ी विद्या देखा तो एक गायन विद्या और रसायन विद्या, दो चीज अगर सीख जा तो हमारा बड़गा कहता के माइत कहता के भाई परिपूर्ण आदमी है एकदम, मतलब जीवन के मायने गायन विद्या रसायन विद्या बहुत बढ़िया चीज है। तो मैं तो ई चीज के मायने सरूंग मायने जिया बस ई ढोलकड़ी के खातर रात ने के टकना जी माजा बजाने की सिनातिया लेर सोनी पड़े। तो मतलब बीकानेर की बात कर ली और गायन की बात कर ली, रसायन की बात कर ली। हाँ। तो भुजिया पर मैं लौटूंगा, बारू में आयो हूँ अभी इधर। हाँ। बारलो जो को कमरो है। हाँ। लेकिन बीकानेर वासी है, बीकानेर वासी मैं पूछना चाहूंगा कि सुबह सुबह बीकानेर में अगर घर में भुजियो ना हो तो हालात के हुए बीकानेर में? तो भुजियो तो पहली बात है, चाय पीता है भुजियो है। अगर नहीं हुए तो? नहीं हुए तो भी ना, मतलब अजीब शौक लगे भी ने। अजीब शौक लगे खायो को नहीं। पड़ोसी हो अंग भुजिया कितना साल मतलब थे? करीब 20 साल मने हो गया खाता। 20 साल हो गया तो मतलब 20 साल भाई भुजिया को स्वाद है जो चुके है थारे पुस्ता है। हाँ। नॉर्मल यहाँ एक आठ दिन बस इड़ो चोखो और मेहनत की चीज बनावा नहीं बिक माइन बस एक माइन रम जावा एकदम। कोई मशीनरी को काम को नहीं, हाथ बुझियो हाथ को भी अपने स्वाद आवे हर चीज का माइन द्वेत हुए भी साहब मुझे को आप लकड़ी के ऊपर चाह बना सिया बाग इस कपर स्वाद क्या सी। तो दिन जी भुजिया में मेटेरियल के बड़े है? देखो भुजिया का माइन अगर बढ़ियो आप भुजियो बनावा तो बिक माइन 10 किलो मोट मोगर 2 किलो चिणा दाल आज 300 साल भुजिया बन रहा है। और महाराज यहाँ भाई बना रहा जगह गुरु है कारीगर है भाई थाने बता चुका के 55 साल काम कर रहा। तो कहने का मतलब वो है कि एक मायने 10 किलो मोगर 2 किलो चिणा दाल और 100 ग्राम लौंगी मिर्च 100 ग्राम गर्म मसालो और नमक वगैरह और आप सीधा सादा भुजिया बनावा आपने कोई मतलब कोई जहाँ लोग केमिकल वगैरह और गैरह अपनो एकदम सिंपल सीधो भुजियो एकदम जकू न तो कोई मुँह बड़े और न कोई ज्यादा फीको लोगों ने स्वाद लगे। दिन का बीकानेर का लोग है बांध तो कहीं है के चाहे हगे तो भुजियो चाहिए ही चाहिए। अगर भुजियो नहीं हुए तो मतलब कोई मतलब ही को नहीं, भुजियो तो एक मुठी खाए वाला भुजियो तो खानो पड़ी। अच्छा एडो नियम है, नियम है। कचोरी होगी? हाँ कचोरी। हाँ। कचोरी फेमस है भुजिया और पूरे ऑल ओवर एशिया महाद्वीप का मायने बीकानेर के मायने मतलब सबसे एक देखा तो एक रसायन विद्या को उत्पाद है जो रसगुल्ला भुजिया को वो बीकानेर के मायने है। बहुत खूबसूरत बात है बीकानेर के लिए। बिल्कुल बीकानेर के लिए अपनी मतलब आ तो एक धरातल है एक माइन अगर एक माँ जुड़ेड़ा नहीं रह तो फिर अटर गली गली के माइन भट्टी लाद जा। नहीं भाभी जी पूछा कोनी के कोई मतलब दीन जी भुजिया क्या बनाओ बे तो सह कारीगर है तो ऊनरे जाइडो बिल्ली खोद सी बे के पूछे। नहीं एक आरोप है थार पर? नहीं नहीं ओ कोई ओ आरोप मत लगाओ थे। सब कारीगर है खानदानी कारीगर हम है पूछता ना और जगणिया भी हाँ गायन विद्या रसायन विद्या हमारी रुचि है। अब एक बात मैं मतलब आ तो बात आपने मतलब बीकानेर के भुजिया की होगी। अब एक बात मैं थोड़ा सा संदेश और देना चाहूँ कि अपनी राजस्थानी भाषा है संस्कृति है राजस्थानी भाषा ने आज झलको मीडिया आगे बढ़ा रही है ठीक है नी अपनी भाषा ने मतलब मान्यता को नहीं मिल रही हो जू लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कॉमेडी किंग के मायने भी कर रहे हैं कुछ लोग है जका जिया एक मैं कुछ नाम लेना चाहूँ मैं मान गुरु भी मानू जका सरदार सर का लोकल गुवाहाटी में रहे माऊ नाम है महेंद्र जी गोड़ बे इतो प्रयास कर रहा है इतो प्रयास कर रहा है। बाकी तो देखो प्रकाश जी गांधी है मुरारी लाल जी पारीक है रवि सुतार है टोटली मतलब आज सब अपा देखा ये फील्ड का मैंने सब बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन मेरी एक जगह बड़ा बिजनेसमैन है बहु एक रिक्वेस्ट है कह कि अपनी संस्कृति ने बचानी है और राजस्थानी भाषा ने अगर मान्यता देनी है तो कुछ फिल्म इंडस्ट्रीज के मायने कुछ गायन विद्या के मायने भी कुछ इन्वेस्टमेंट फंड करियो जावे सरकार द्वारा भी सरकार ने भी कुछ इश्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कभी कमाइन जका जकी कला है राजस्थान की आज थे देख लियो लोग है हिंदी बोलनी पसंद करे मारवाड़ी का ईशा शब्द है एक शब्द में 10 निकले जिया मान लियो बकलडी है बिन टाट बुगरियो गोंदड़ती खाजरू पर दौड़ कह दियो लठ जावा बिन लठ रेरू राम गेसलू कितना नाम है वांगा बंबू। हाँ एक चीज का मतलब इतना इतना नाम है हरेक बस की बात को नहीं समझनी और कुछ कवि भी बढ़िया बढ़िया चीजा लिख रहे हैं राजस्थानी भाषा ने और मैं भी हमेशा से मेरा वही सपना हो कि अपनी राजस्थानी भाषा इतनी आगे बढ़े का हर जगह देखा बट कोई भी बोर्ड पर नाम हो चाहिए कुंकू पत्री छपावा टाबर की बिग माइन राजस्थानी कमाइन होनी चाहिए। इच्छा है कि इसे एक चैनल बने बिग माइन जहाँ गणगौर चाल तो ठीक है न जका अपने सीमा मिश्रा जी गाता भी साहब एक चैनल आवे जहाँ चित्र आ रहा तो कोई टाइम है पहले दूरदर्शन भी एक चैनल बना भी कमाइन राजस्थानी भाषा का मायने सारो काम हुआ है राजस्थानी भाषा का जितना भी कॉमेडियन है या फिर जितना भी गायक कलाकार है अपने ढकेड़ा मतीरिया बोला है मन आप जान कौन सका मतलब महसूस कौन कर सका गायन विद्या इसी है एक थोड़ा सा
सुनाओ थोड़ा सो खटको। हाँ थोड़ा कह रहा हूँ सुना दू और तो टूटे फूटे जो हमारे पार वाम चलिया करे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं साहब बिल्कुल। बहुत बढ़िया, मतलब ताल अठे भी है, ताल बठे भी है, और ताल राजस्थानी भाषा में भी है और ताल दिल में भी है। और बड़ो मन तो आज थारो थे कहो आ रहे हो जा, मन बड़ी खुशी हुई मैं को यार आज आप राजस्थान के बारे में एक अंदर मतलब कह कहने अंदर घुटन सी हो रही है कह करे नहीं एक्चुअली आई हैव ए प्रॉब्लम। मतलब इंग्लिश को खटको भी सके। हाँ चले कह अपने मारवाड़ी भाषा मैंने कह दी सीजे लोमड़ी इटी जे बिल में पड़ी आई एम पकड़ी पूछड़ी सडनली मतलब फटाफट बाहर कूद पड़ी या भाग पड़ी। हाँ वो जो भी। तो दीन जी एक अंतिम प्रश्न है तारा सु, बहुत ही उम्दा थे काम कर रहे हो भुजिया के बारे में, भुजिया के अलावा थे के बनाऊ? भुजिया के अलावा मैं नॉर्मल मैं मिठाई भी मैं बनाऊ, मिठाई जी अपने बीकानेरी है टेस्टी वेस्टी भी बनाऊ टेस्टी। हाँ मिठाई में नमकीन बनाऊ और मिठाई का मतलब नमकीन भुजिया तो बनाऊ ही हूँ, बाकी गाड़ लाडू सूट साई पंदारी मोती पाक दिल कुशाल करांची लो सोन लो इमरती घेवर फीणी सारी चीज बनाओ। हाँ मैं ओ काम मेरो सिक्योर्ड है, पुराने टाइम से मेरो सिक्योर्ड है। तो मैं अब आगे एक मतलब एक अलग चीज अपने मारवाड़ी मारवाड़ी के नाम एक मिक्सर चालू करूंगा जी, कंपनी आपको की नाम रख दे लेकिन मैं मारवाड़ी मिक्सर करूंगा एक बढ़िया जगह का मैं रियल में मारवाड़ को स्वाद आसी। अरे वाह खुद मसाला बना के बढ़िया चीज एक लॉन्च करनी चाहूँ। बहुत बढ़िया है आ यात्रा थारी आगे तक रेवे, बहुत खूबसूरत आज थारू मिल गए, बहुत दिल ने तसल हुई। और थाने भी और जलको पूरी मीडिया ने भी और सुदेव जी थाने भी बहुत बहुत धन्यवाद ये बारे का मायने थे मार खातर तो समय काट्यो। तो वो बड़प्पन है वो प्यार है आ मिठास है जो हमेशा जारी रहेगी और आने वाले कई दिनों तक भी आगे मतलब जो स्वाद की जो झलकियां हैं बे थाने मैं बताता रहूँगा। आज फिलहाल भुजिया बनने की प्रोसेस है बा मैं थाने बताइए। नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद।